नमस्कार दर्शकों, आप लोग जुड़ चुके हैं जबलिंग्स न्यूज के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा जम्बाल। दर्शकों, आज के COVID-19 मीडिया बुलेटिन में DIPR यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन की आज शाम की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में कुल 444 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। और वहीं डेथ की बात करें तो आज 8 लोगों की जो है वो मृत्यु हुई है, और रिकवरी की बात करें तो 256 केसेस जो हैं वो आज रिकवर हुए हैं। दर्शकों, वहीं अब डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बात करें तो कुल 444 नए केसेस में से श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आज 62 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से एक जो है वो ट्रैवलर है और 61 अन्य। वहीं बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 7 केसेस आए हैं, पुलवामा में 62 केसेस आए हैं, कुलगाम में 4 केस आए हैं जिसमें से 2 ट्रैवलर हैं और 2 अन्य हैं, शोपियां में 22, अनंतनाग में 28, बड़गाम में 6 केस आए हैं जिसमें से 4 जो हैं वो ट्रैवलर्स हैं और 2 अन्य हैं, कुपवाड़ा में 10 आए हैं, बांडीपोरा में 24 और गांधरबल में 13 केस आए हैं। दर्शकों, जम्मू की बात करें तो जम्मू में जो है आज 65 नए मामले आए हैं, जिसमें से 50 जो हैं वो ट्रैवलर्स हैं और 15 अन्य हैं। राजौरी में 18 केस आए हैं, रामबन में 13 आए हैं जिसमें से 1 ट्रैवलर है, कठुआ में 5, उधमपुर में 69 केस आए हैं जिसमें 1 ट्रैवलर है और 68 अन्य, सांबा में 8, डोडा में 3, पुंछ में 16 केस आए हैं, रियासी में 7 और किश्तवाड़ में 2 केस आए हैं। दर्शकों, अगर हम ओवरऑल कोरोना वायरस के केसेस की बात करें तो अभी तक जम्मू कश्मीर में जो इसका आंकड़ा है वो 21,416 पहुंच चुका है, जिसमें से आपको बता दें कि 13,127 लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। और जम्मू कश्मीर में अभी तक कुल एक्टिव केसेस जो हैं वो है 7,893। और इसी के साथ अगर डेथ की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अभी तक कुल 396 मौतें हो चुकी हैं इस कोरोना महामारी के चलते, जिसमें से जम्मू में 28 और कश्मीर में 368 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसीलिए हम यही कहेंगे, बार बार यही कहेंगे कि इस कोरोना महामारी से बचें, जितना हो सके सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें और घर से ना निकलें, अगर ज़रूरी है तो ही घर से निकलें, और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करें। याद रखिए कि इस कोरोना महामारी को हमने हर हाल में जो है वो हराना है। तो दर्शकों, ये था आज का COVID-19 का मीडिया बुलेटिन, कल फिर हाजिर होंगे। और तो जाने से पहले दर्शकों, हम यही कहना चाहेंगे, जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि कल जो है वो हमारे हिंदू धर्म का सबसे खास पर्व जो है रक्षाबंधन है, और लोग जो है वो काफ़ी एक्साइटेड होंगे इस त्यौहार को लेकर। लेकिन इतना याद रखिएगा कि कल त्यौहार खुशी खुशी के साथ ज़रूर मनाएं, लेकिन कोरोना जो है वो अभी तक गया नहीं है, तो इसका भी खास कर बेहद ध्यान रखें, और जितना हो सके गवर्नमेंट द्वारा दी गई जो सभी गाइडलाइंस हैं इसका पालन करना ना भूलें। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।